तो बेसिकली विचित्र जी एंड सुरेंद्र जी, आपके साथ हम बात कर रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में एक बार जान लीजिए क्या होता है। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में वीवीए का स्टैंड होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब ये आप कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन मत रहिएगा कि ये वीवी सिक्स है या वीवी स्टूडियो है। पिछली वीवी सिक्स वीवी स्टूडियो से आप जो है मैंने .NET की कोडिंग करके आप जो है आप एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक नया एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन वीवीए के साथ ऐसा नहीं होता है। वीवीए के जरिए आप एमएस ऑफिस के अंदर, जी हाँ एमएस ऑफिस के अंदर में, मैंने एमएस ऑफिस इसलिए बोला क्योंकि वीवीए एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आउटलुक सब में वर्क करता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सेल वीवीए के बारे में बताऊंगा, बाकी के भी प्रोग्रामिंग 40% के आसपास सेम है। तो वीवीए के जरिए हम बनाएंगे क्या, सबसे पहला हम बात करते हैं मैक्रोज का। अब मैक्रोज वर्ड सुन के बहुत सारे लोगों के दिल में मन में कंफ्यूजन होती है कि मैक्रो मतलब कि जो रिकॉर्ड मैक्रो है ना, जिससे मैक्रो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये वाला होगा। देखिए रिकॉर्ड मैक्रो और वीवीए मैक्रो दोनों सेम ही है। अब वीवीए के जरिए ही मैक्रो बनाओगे और रिकॉर्ड मैक्रो के जरिए भी आप मैक्रो बनाओगे, और रिकॉर्ड मैक्रो में भी आपका वीवी की प्रोग्रामिंग ही यूज होती है। रिकॉर्ड मैक्रो एक टूल्स है जो आपके माउस और आपके कीबोर्ड एक्शन को मैक्रो कोड मतलब कि वीवी के कोड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपके बिहाफ पे वो प्रोग्रामिंग लिख देता है। अब ऐसा बात करने से विचित्र जी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैक्रो जो मेरे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक मैक्रो लिखने वाला टूल्स है, तो फिर सर के साथ फीस टाइम वगैरह मेहनत करके क्यों सीखे। तो बात ऐसा है विचित्र जी कि रिकॉर्डिंग मैक्रो के साथ बहुत ही लिमिटेड वर्क आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैक्रो से मान लीजिए कि आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आपने बोला कि K1 और यहाँ पे आप नेम लिख दिया, ठीक है K1 और नेम लिख दिया, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे मैक्रो जब रन करते स्टॉप कर दिया, मैं कभी भी मैक्रो रन करूंगा तो हमेशा एक K1 पे ही नेम लिखेगा, आपकी मनचाही जगह पे नहीं लिखेगा। मतलब कि डायनेमिक नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कंडीशंस नहीं लगा सकते, रिपीटेशंस नहीं हो सकती, कंडीशंस नहीं लगा सकते, कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इन शॉर्ट बहुत ही कम इसका यूज होता है। अब सवाल पूछेंगे सर तो फिर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि फालतू की चीज है, अच्छी चीज है, इसकी बेनिफिट हम आगे आने वाली क्लासेस में आपको अच्छे से समझाएंगे। दूसरा जो हम सीखते हैं वो सीखेंगे यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला, और इसके बाद अगला जो होगा वो होगा यूजर फॉर्म। क्या होगा? यूजर फॉर्म। तो वीवीए के साथ हम तीन चीजों पे डिस्कस करेंगे, ये समझिए कि तीन पार्ट है वीवीए के, मैक्रो फंक्शंस और यूजर फॉर्म। मैक्रो जिसमें आपका मेन है, मैक्रो जैसे ऑटो पायलट, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं उस काम को आप बार बार करते हैं, हर दिन करते हैं, घंटे दो घंटे का आपका काम है वो, तो उस चीज की पूरी जो पूरी डिटेल्स है, पूरी की जो पूरा स्टेप है, और माइक्रो के जरिए वीवीए लैंग्वेज के जरिए माइक्रो में हम इंस्ट्रक्ट कर देंगे, राइट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम हमें जस्ट जाके यहाँ पे रन करना है। क्या करना है? सिर्फ रन करना है, और जो जो आपने स्टेप्स और जो जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं उसके बिहाफ पे आपका काम होता चला जाएगा, वो भी आपसे 1000 गुना फास्ट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ऑटो पायलट को वॉशरूम जाना होता है, सॉरी पायलट को वॉशरूम जाना होता है तो ऑटो पायलट मोड करके चला जाता है और जानता है कि इसमें दी गई सारी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे सॉफ्टवेयर प्लेन को निर्देश देगा। समझ गए? या सर। अब इसका यूज हम करते हैं, उसके बाद बात करते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन इट मींस फॉर्मूलाज, ठीक है,
जो एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, इसके अलावा आप अपने खुद के फॉर्मूलेज बना सकते हैं, खुद के फॉर्मूलेज। आप बोलेंगे सर खुद के फॉर्मूले को, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले जो कि पता ही नहीं है, आप कहते हैं कि नया फॉर्मूला और बना लो। तो फॉर्मूले के मतलब है कस्टमाइज फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? कस्टमाइज, कस्टमाइज। ठीक है, कस्टमाइज फॉर्मूला। जैसे वीलुकअप को ही देख लीजिए, वीलुकअप की कुछ प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट टू राइट यूज करता है, रिपीटेड वर्ड को यूज नहीं कर, नहीं रिपीटेड आइटम को लुकअप नहीं करता, एक ही बताता है बाकी ही बताता है, एक ही सीट से, एक ही डेटा शीट से लेता है। आपके पास मान लीजिए 5 डेटा शीट्स है, आप ऐसा वीलुकअप चाहते हैं कि 5ों से उठा ले, ये तो नहीं कर पाएगा ना सर। क्या सर? नहीं करते। तो आप इसके लिए अपने फॉर्मूला बना लीजिए जो 5ों से करके आपको दिखा देगा। समझ गए? जी सर। इसके बाद आता है हेलो। यूजर फॉर्म। हाँ जी सर, म्यूट में है सर। सॉरी सर, गलती से म्यूट हो गया था। जी यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म समझते क्या होता है? इंटरफेस, जैसे मैंने एफएक्स पे क्लिक किया था, पॉपअप खुल गया है। मैं इंसर्ट पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो पॉपअप खुल के आता है, या आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करते हैं तो एक पॉपअप खुल के आता है, आता है सर। इस तरह के जो तो पॉपअप है ना, वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूजर अपने हिसाब से अपना मैक्रोज रन कर सके। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टूल्स बनाया जो 12 कंपनी, 12 महीने और 20 कंपनी का रिपोर्ट बनाता है, लेकिन इंडिविजुअल उसमें आपको देना होता है कि कौन से महीना और कौन से कंपनी, राइट? तो आपने क्या किया, एक यूजर फॉर्म डिफाइन कर दिया, उसमें 12 महीने के लिए जैन टू दिसंबर का पॉपअप बना दिया और 20 कंट्री का भी ड्रॉप डाउन आपने बना दिया। यूजर जाएगा, मंथ सेलेक्ट करेगा और अपना सिटी सिलेक्ट करेगा, और जैसे रन करेगा उसको रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप इस राइट तरह के राइट राइट। पॉपअप ना दें तो आपको क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 मैक्रोज बनाने पड़ेंगे। समझे? समझ गए सर। हर सिटी के लिए 12 मैक्रो, फिर दूसरे मंथ के लिए, फिर हर सिटी के लिए 12 मैक्रो, समझ रहे ना? पर इंटरफेस में क्या होगा, जस्ट सिलेक्ट करेगा और पॉपअप लगा देगा। जैसे यहीं पे देखिए ना, इंसर्ट आप पिवट करते हैं तो पिवट में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम रेंज सिलेक्ट करते हैं, न्यू वर्कशीट या एक्सेल वर्कशीट हम रन कर देते हैं, तो पता है क्या करना होगा, इसलिए मुझे 3 मैक्रो, एक मैक्रो बनाना, एक मान लीजिए मैक्रो के थ्रू बनाना होता तो एक मैक्रो बनाता जो कि न्यू वर्कशीट, फिर दूसरा मैक्रो बनाता जो कि न्यू ये आपका एग्जिस्टिंग वर्कशीट, समझे? तो इसलिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वीवीए के 3 पार्ट है, मैक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि सीखने के लिए क्या करना। सबसे पहले आपके पास एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, समझे सर? ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए कि आप वीबीए में जाएंगे जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे, वो प्रोग्रामिंग एक्चुअली आपका एक्सेल के फीचर को ही तो ट्रिगर करेगा। अब पिवट टेबल आपको लगाना है वीवीए के थ्रू, तो पहले आपको एक्सेल के पिवट टेबल के बारे में पता होना चाहिए ना, तभी तो राइट उसकी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। राइट राइट। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, जो सॉफ्टवेयर बनाने आता है, आई एम द गुड एंड द गुड डेवलपर, हर चीज जानता हूं, लेकिन मैं अकाउंट नहीं जानता, तो क्या लग रहा है मैं सॉफ्टवेयर बना पाऊंगा? राइट जिसने टैली यस। बनाया है, बीजी बनाया है, वो एक अकाउंट पर्सन होगा, वही सभी ने बनाया, या किसी अकाउंट पर्सन का हेल्प लिया होगा, राइट राइट क्या नॉन राइट राइट अकाउंटेंट का तो
तो नहीं बना सकता था ना, क्योंकि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, बैलेंस शीट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होगा, है राइट, जीएसटी क्या है, जीएसटी का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए ना। जी जी ओके। और दूसरी चीज, मान लीजिए कि मुझे हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए कर दिए तो सिलेक्ट ऑल हो गया, लेकिन हम बीवी के थ्रू सिलेक्ट ऑल करवाना है तो कंट्रोल ए तो ही लिखेंगे, कंट्रोल ए हमें तो बताना पड़ेगा ना कि इसका कौन सा पार्ट, कौन सा ऑप्शन ट्रिगर करना है। जैसे कि कंट्रोल सी के लिए यहाँ होता है ना कॉपी, कंट्रोल वी के लिए यहाँ होता है पेस्ट, कंट्रोल डी के लिए होता है बोल्ड, आई का इटैलिक, यू का अंडरलाइन होता है ना सर। जी सर। वैसे इसका कंट्रोल ए का क्या हो पता है आपको? कंट्रोल ए कंट्रोल मतलब सारा सेलेक्ट कर लेगा, ट्रिगर करते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रिगर करता है, इस तो एक रेंज हो गया ना, एक रेंज को उसने सिलेक्ट किया। हाँ तो भाई ये तो मैं समझ क्या किया उसे पूछ रहा हूँ, ये मेनू बार के किस एक्शन को, किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है? कंट्रोल ए यहाँ करे, यहाँ फाइल इन सिलेक्ट में गो टू स्पेशल करेंट जी सर समझे। तो वीवीए में हम कोड लिखेंगे ए वन द करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ओके तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसी प्रॉब्लम तो हर स्टूडेंट को होगा, आप हर कोई तो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं एक्सेल में चैंपियन हूँ, हर कोई हो। अगर मान लीजिए मैंने एक्सेल सीखा भी तो कुछ दिनों बाद मैं जरूर भूल जाऊंगा क्या? जी सर। क्या है कि इसके लिए मैंने एक रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, 5 घंटे की प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है जो कि प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग कहलाता है। उसका लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है, ठीक है? ओके ठीक है, आप इसको एक बार देख ले फिर आगे बढ़े। अब बात करते हैं वीवीए कोर्स के बारे में। तो वीवीए कोर्स के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं, iptindia.com। iptindia.com पे आते हैं तो मेरे पास यहाँ देख पा रहे हैं कि कोर्सेज है, लाइव क्लासेस एंड वीडियो क्लासेस। तो मेरे पास ऑलरेडी वीडियो क्लासेस भी है, आप यहाँ पे वीडियो क्लासेस का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है मेरे ऐप के थ्रू। ओके सारी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाए, लेकिन नहीं मैं लाइव क्लासेस पे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप जो है iptindia.com पे वापस आइएगा तो लाइव क्लासेस का मिल जाएगा लाइव। और जो मैम रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपको मेरे मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे जो है एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च कीजिएगा तो मेरे प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाता है। तो इसमें जो है ये हमारा ये वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग का कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 45 से 50 घंटे की है, मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लास होती है, ठीक है? और इसमें आपका देखिए इसमें दो है, एक्सपर्ट लेवल है, दूसरा फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक 6 से 8 घंटों का है, बस ये समझिए कि वीवीए के बारे में उतना जान जाएंगे जितना से आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं या फिर छोटे मोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए एक्सेल के एक्सपर्ट लेवल कोर्स ये आपका 45 से 50 घंटे का है और ये आप जो है अपने ऑफिस के हर एक प्रोग्रामिंग को करने कर सकते हैं, मोस्टली प्रोग्रामिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर नहीं कोई चीज समझ में नहीं आया तो उस पर आप इजिली रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपको हर क्लास की वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ, कुछ बुक्स, आर्टिकल पढ़ने के लिए, साथ में आपको यहाँ पे फ्री रीज्वाइनिंग मिलता है। फ्री रीज्वाइनिंग मतलब कि जब आप 6 महीने साल बाद आपको ऐसा लगता है कि चीजें आप भूल गए तो वापस आपका आप रीज्वाइन कर सकते हैं मेरी किसी भी रनिंग बैच में, उस समय आपको कुछ फीस देने की जरूरत नहीं है।
ओके ओके सर, ये हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी कंटेन कहाँ, तो पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरे सारे कंटेन मिलेंगे। बेसिकली इसमें तकरीबन 11 के आसपास चैप्टर है जो कि अलग अलग है, 11 चैप्टर है। और हर चैप्टर के बाद देखिए एक हम प्रोजेक्ट आपके सामने कर रहे हैं, यहाँ रिपोर्ट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट टू डीबीएमआई फॉर रिपोर्ट ऑटोमेशन, लाइव प्रोजेक्ट विद लूपिंग एंड कंडीशंस, लाइव प्रोजेक्ट फॉर इवेंट, दिख रहा है सर? हाँ। ये आपके साथ हम बात करें, ठीक है। अब ये इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप इसका पीडीएफ जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ इसी नंबर पे, आप देख सकते हैं, ठीक है सर? जी सर। अब टाइमिंग की एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको टाइमिंग कौन कौन से चाहिए। हालांकि मेरी क्लासेस सुबह से शाम तक चलती रहती है रात तक, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ मतलब बैच स्कूल साइज होता है, जैसे कि हम 2-3 लोगों से ही स्टार्ट कर देते हैं, 2 से 3 लोग ही होते हैं बैच में, कई बार तो एक सिंगल को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। अब इसमें स्मॉल साइज बैच में पीछे रीजन क्या होता है कि मेरे पास सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के होते हैं लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जब वर्किंग प्रोफेशनल क्लासेस लेता है तो उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि हमें इसका एग्जाम देना है, कि इसको रट्टा मार लो इसका 5 नंबर का या 10 नंबर का आएगा। वर्किंग प्रोफेशनल के दिमाग में एक ही चीज आता है कि भाई क्या इसको हम अपने ऑफिस की इस काम से कर सकते हैं, इसको समझ रहे हैं सर? मतलब तो लाइव एग्जांपल के साथ वो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं 10 लोगों को पढ़ाया, 10 ने मान लीजिए कि एक एक क्वेश्चन पूछ दिया और एक क्वेश्चन का टिगर करने में 5 मिनट का भी टाइम लग गया, तो 50 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में निकल जाएगा। तो बाकी इंस्टीट्यूट की तरह मुझे क्या करना होगा, क्वेश्चन के लिए एक दिन रखेंगे कि हाँ भाई 15 तारीख को क्वेश्चन दे होगा, आप नोट कर लीजिए 15 तारीख का क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। 15 तारीख तक आपको याद थोड़ी रहेगा आपने पढ़ा क्या था, क्या सर? राइट राइट। हम लोग तो ऐसे बचपन से गुजरे जहां आज क्या पढ़े हैं तो कल याद नहीं रहता है। तो इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं होता है और ऑनलाइन क्लासेस का जो है बिरागर किसी से हो जाता है। लेकिन मैं शुरू से 2007 से क्लासेस दिया तो स्मॉल साइज के बैच की क्लास दिया और ताकि इंटरेक्ट हो सके। मेरा मोटिव यही था कि मैं 2 को ही पढ़ाओ लेकिन परफेक्ट पढ़ाओ। इसमें आई हैव वन क्वेश्चन कि जो हमारी फ्यूचर की क्लासेस होंगी वो आप ही लेंगे या फिर कोई और लेगा?